हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि लास्ट में आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी मैंने दो क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं, बाकी मैं आपको पढ़ के और सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये इससे पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था दिशा एंड दूरी। इस पर हम सारे क्वेश्चन सब एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है, आइए पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 में, ठीक है। इसमें था क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति जमीन पर किसी बिंदु ओ से सीधे रास्ते से उत्तर पूर्व की दिशा में एक पहाड़ी पर चढ़ता है। तो सबसे पहले हमारा बेसिक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपना जो हमने बेसिक डायग्राम पढ़ रखा है वो बनाएंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और ये वाला जो डायरेक्शन होता है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। अब देखो अब ये कहता है किसी बिंदु ओ से सीधे रास्ता चलता है। हम इसको बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, कहीं से बड़ा तो हम कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है वो कि वह एक सीधे रास्ते से उत्तर पूर्व की दिशा में एक पहाड़ी पर चढ़ता है। आप देखो उत्तर पूर्व ये है ना, हमारा उत्तर पूर्व ये हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, सीधा बोला उसने, ठीक है। अभी चलता कितना है दोस्तों, ये भी देखो आप। कहता है कि वह 5 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु ए पर पहुंचता है। मतलब ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और बिंदु ए पर पहुंचता है, ठीक है। अब जब ये ए पे आ गया, उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद वह बिंदु ए से उत्तर पश्चिम की दिशा में बिंदु बी पर जाता है और ए और बी की दूरी 12 किलोमीटर है। अब देखो इस पॉइंट से वो क्या कह रहा है, अब ऐसे ऐसे नॉर्थ ईस्ट बनाओगे इसको ऐसे, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। वो कह रहा है क्या, उत्तर पश्चिम, मतलब उत्तर पश्चिम इस दिशा में। इस दिशा में कितना चलता है दोस्तों, ये चलेगा 12 किलोमीटर और ये पिन पॉइंट कितना है, डी, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, अब वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु ओ से कितनी दूरी पे है। तो हमसे दोस्तों पूछ क्या रहा है, इसमें हमसे ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखो फेज डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे। वो कहता है कि नॉर्थ ईस्ट की साइड वो 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद कहता है बिंदु ओ से ए तक, उसके बाद वो किस डायरेक्शन चलता है, उत्तर पश्चिम की दिशा में, उत्तर पश्चिम की दिशा में 12 किलोमीटर चलता है। तो उसके बाद बोलता है कि ये पॉइंट बी पर पहुंचता है। अब हम देखेंगे पॉइंट बी से ओ की दूरी क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पाइथागोरस प्रमेय जो हम लगाते हैं, ठीक है, वो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि कर्ण कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है। ये है बेस आपका, ठीक है, जो लंबवत रेखा होती है उसको हम कर्ण लंब बोलते हैं और ये सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं और ये सबसे लंबी भुजा होती है इन दोनों में से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जस्ट वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमें सामने वाली भुजा निकालना, मतलब ये निकालना एच स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तब इसको सॉल्व करते हैं अभी हम। तो मैं दोस्तों अपने आशा करता हूँ क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रैप करता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम है। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। अब देखो एक चीज मैं यहाँ पे और बता देता हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, जो लोग जिनका मैथ्स बैकग्राउंड होगा वो तो इससे सहज होंगे कि जी 12 का स्क्वायर इतना हम निकाल लेंगे, लेकिन जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होगा उनके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। दोस्तों एक फार्मूला होता है स्क्वायर निकालने के लिए, ए
टू ए बी और बी स्क्वायर। अब देखो जैसे हमसे यहाँ पे इसने 12 का पूछा ना, तो हम क्या करेंगे, ये 12 होगा, एक को मानो ए दूसरे को मानो बी, ठीक है, ये बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। देखो अब एक का स्क्वायर होगा, सॉरी, ठीक है, अब इसको क्या करो यहाँ पे पुट कर दो, ए की वैल्यू जहां जहां है और बी की वैल्यू जहां जहां जो भी है, ठीक है। देखो अब क्या लिखेंगे हम इसको, एक एक ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2ab, 2ab मतलब दोस्तों क्या हो गया, 2 गुणे, चलो लिख के मैं दिखाता हूँ आपको, 2 गुणे 1 गुणे 2, ठीक है। फिर ऐसे लिखते हैं बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। चलो मैं फार्मूला एकदम लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, हम पीछे से सॉल्व करेंगे जैसे नॉर्मली हम प्लस माइनस करते हैं, वैसे ही पीछे से सॉल्व करेंगे इसको। 2 2 जा कितना हुआ 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 आ गया, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, देख रहे हो आप। अब इसको हम ये बस जो भी हमने ये बट्टे वाला चिन्ह लगा रखा है या इसको हाइफन बोलते हैं वो लगा रखा है, इसको क्या करेंगे हम हटा देंगे, अभी क्या हो जाएगा 1 4 4, ठीक है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हो तब भी देखो कितनी आसानी से कर सकते हो आप। चलो एक एग्जाम्पल मैं लेके दिखाता हूँ आपको। सपोज करो हमसे ये पूछता है कि 24 का हमें स्क्वायर बताओ, ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, अब इसी फार्मूले में इसमें हम नोट डाउन करते हैं। देखो इस फार्मूले में हम कैसे लिखेंगे इसको, आप ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2ab तो 2 हो जाएगा इंटू, फिर 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। देखो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये 2 तो पहले से लिखा हुआ है और ये आपका ए स्क्वायर, इसके आगे हम आएंगे, अब देखते हैं लास्ट में क्या है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, हम पीछे सॉल्व करते हुए चलेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का मतलब 6 लिखेंगे और एक कैरी होके इस साइड को आ जाएगा, इसीलिए मैंने बोला था कि पीछे से करना है, जितने मतलब जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, 16 हुआ तो एक कैरी इधर आ जाएगा। अब देखो 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 एक जो कैरी फॉरवर्ड था 17, 7 हो गया और इसमें भी एक कैरी आ जाएगा तो एक कैरी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो ये हमने ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखा, इसके आगे जाते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 और एक कैरी कितना हो गया 5, 5 7 6, अब बस वो पैरेंथेसिस हटा दो, ये हो जाएगा 5 7 6, तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया 5 7 6, देख लो कितना इजी है। अगर आपको मैथ्स नहीं मतलब मैथ्स नहीं आता है, मैथ्स देख के भी डर लगता है, तो आराम से बस आप ये याद रखो, और ये ऐसा भी नहीं आपको याद करना है, ये 10-12 बार प्रैक्टिस कर लोगे, 20 बार प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे ये खुद ही अपने दिमाग में आ जाता है कि अच्छा हाँ हाँ ठीक है, एक बार पढ़ लिया फिर 10 दिन बाद एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या मेरे को ये फॉर्मूला याद आ रहा है। आप समझ रहे हो, आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा। आप देख रहे हो, या तो आप 20 से लेके 30, 21, 22, 23, 24 ऐसे हम याद करें, या बस एक ही फॉर्मूला याद कर ले, ठीक है। और ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा टफ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब ऐसे देख सकते हो जैसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए तो होता है सेम ही तो है, देखो एक स्क्वायर पहले है एक स्क्वायर बाद में है, 2ab बीच में कर दिया है, ऐसा ही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, देखो यहाँ पे हमने दोस्तों किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x² प्लस 12 का स्क्वायर, अब 5 का हो गया 25, 144, देन 169, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 169, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, ठीक है, हो गया सॉल्व, तो ये वैल्यू आएगी 13। आप देख रहे होंगे कि इससे और इन दोनों से ये बड़ा है, तो मैंने क्या बोला था, समीकरण वाली भुजा सबसे लंबी होती है इन दोनों से। अगर बाय द वे सपोज करो ऑप्शन में जैसे ये, अब ये आप डायरेक्टली काट सकते थे, अगर आप ये बना लेते तो आप सॉल्व नहीं करते तब भी ये वाला क्वेश्चन एलिमिनेट कर, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते, क्यों, क्योंकि जब ये 5 है ये 12 है तो इनका जो कर्ण होगा ये इनसे तो बड़ा ही होगा, मतलब एक क्वेश्चन ये भी देखो कट गया आप।
अगर आपके पास पता भी नहीं है तब भी देखो ट्रिक क्या है, अब आपको इन दोनों में से ही चूज करना पड़ेगा, या तो 13 होगा जी या तो 17 होगा। ठीक है, इसमें कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं तो आपका ऑप्शन इसमें ये हो जाएगा 13 आंसर। इसमें कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं मैं बता रहा हूं आपको अभी। देखो दोस्तों, जैसे 12 होता है, 5 होता है, जब इनका कॉम्बिनेशन आएगा तो हमेशा इसके साथ 13 रहेगा, या तो ये आए या तो ये आए, इन दोनों के साथ आए ऐसे आए, या तो 12 ये आ जाए तो इसके साथ ये 5 ही आएगा। ऐसे कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, मैं नोट डाउन करा रहा हूँ, जैसे 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट्स होता है, आप सॉल्व करके देखना ये यही आएगा आपका। ठीक है, ये 3 और 5, ये 3 और 4 का भी ट्रिपलेट्स 5 आता है। ठीक है, इसमें होता है एक दोस्तों, उसके बाद 15, 8, 17, जब भी 15, 8 रहेगा तो इसका हमेशा 17 ही आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो। ये 24, 7, 25, ये होता है 21, 20, 29। दोस्तों ये नॉर्मली ना कॉमन यूज होता है, मतलब ज्यादातर एग्जाम में यही ट्रिपलेट्स पूछे जाते हैं, या तो आपसे ये वाला पूछा जाएगा, या तो आपसे ये वाला पूछा जाएगा, या तो आपसे ये वाला पूछा जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है तीनों की, या तो कह लो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को देखो हम शॉर्टकट तरीके से करना चाहें तो उसमें अब शॉर्टकट तरीका नहीं लगता है उसमें, जो हमने नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि आप देखो NESW में क्या होता है, NESW इसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ ऐसे पता होता है, बट नॉर्थ ईस्ट का हम नहीं लिखा सकते ना, किसी बीच में कहाँ पे है, उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, तो इसलिए मैंने उस मेथड कभी नहीं बताया, क्योंकि वो इसमें एडजस्ट नहीं करता है, कुछ रूल्स में ये काम नहीं करता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा सा ना ट्रिकी है, अब जिनका मैथ बैकग्राउंड होगा ना एक बार को वो भी थोड़ा सा मतलब सहज अपने आप को महसूस नहीं करेंगे जब उनको सडनली क्वेश्चन दिखा होगा ये एग्जाम में। तो देखो क्वेश्चन क्या, हम पढ़ते हैं एक बार। कोई व्यक्ति एक्स ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा था, ठीक है, कोई व्यक्ति एक्स ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा था जहां सभी सड़कें या तो उत्तर दक्षिण की ओर है या तो पूर्व पश्चिम की ओर। यहां तक क्लियर है कि जाते हुए ग्रिड बनाते हैं। देखो अब उत्तर पश्चिम की ओर जाते हुए ग्रिड बनाते हैं। अब दोस्तों आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, ग्रिड का मतलब क्या होना है, क्या होता है। अगर आपको ग्रिड का मतलब नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, और उसके बाद था सड़कें एक दूसरे को समांतर 1 किलोमीटर की दूरी पर, सड़कें एक दूसरे से समांतर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, आप चलो यहां तक हम डायग्राम बना देते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन कह क्या रहा था, देखो वो कह रहा है सड़कें या तो उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर दक्षिण की ओर है, ठीक है, ऐसे, उत्तर दक्षिण की ओर है, या तो सड़कें क्या है पूर्व पश्चिम की ओर है, मतलब सड़कें ये ऐसे हैं, ये ऐसे ऐसे दोस्तों। अब मैं बताता हूं ग्रिड का मतलब क्या होता है। ग्रिड का मतलब होता है एक जाल, ये देखो एक ग्रिड सा बन गया। अब उसमें भी क्यों थी कि ये जो सड़कें है ना एक दूसरे के, ये एक किलोमीटर समानता 1 किलोमीटर है, मतलब ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ऐसे भी 1 किलोमीटर, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे 1 किलोमीटर की दूरी के डिस्टेंस पे है, ये सारे के सारे, सारे 1 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों ये। ठीक है, अब क्या करता है किसी पॉइंट पे हम उसको बैठा देते हैं, चलो वह दो सड़कों के प्रतिच्छेदन स्थल पर से गाड़ी चलाना शुरू करता है। अब प्रतिच्छेदन मतलब जहां ये क्रॉस होते हैं ना किसी एक स्थान से वो गाड़ी चलाना प्रारंभ करता है। ठीक है, मैं कुछ नॉर्मल कर ले लेता हूं इसमें। उसके बाद क्या कहता है, चलना प्रारंभ करता है 3 किलोमीटर उत्तर में। आप देखो 3 किलोमीटर, अब ये एक बॉक्स कितना है, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर उत्तर में जाता है, मतलब आप यहां तक पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है 3 किलोमीटर पश्चिम में, अच्छा 3 किलोमीटर उसके बाद क्या करता है वो पश्चिम में चलता है, तो 1, 2, 3। अब देखो ये टोटल 3 किलोमीटर हो गया आपका,
ये टोटल 3 किलोमीटर हो गया आपका। उसके बाद क्या कहता है कि 4 किलोमीटर दक्षिण में चला, 4 किलोमीटर दक्षिण में चला मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब देखो ये पूरा इसने डिस्टेंस 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, यहां तक आ गए। अब कह रहा है कि आगे कौन सा मार्ग उसे अपने आरंभिक स्थान तक ला सकेगा यदि वह उसी मार्ग पर दोबारा ना चले। मतलब इसको इस पे नहीं जाना है, अगर ऐसे जाके ऐसे आ जाए तो ये इस पे इसको नहीं जाना है। तो पूछ रहा है कि फिर कौन से मार्ग से वो जा सकता है। देखो अब जाने के लिए तो ये मार्ग भी ऐसे है, ये मार्ग भी ऐसे है, ये मार्ग भी ऐसे है, ऐसे जा सकते हैं ना शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट में। या तो यहाँ आके ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, यहाँ आके ऐसे आ जाओ, यहाँ आके ऐसे आ जाओ। बट हम ऑप्शन से देखेंगे इसमें ऑप्शन से कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम इससे चले जाए या तो ऐसे आके ऐसे आ जाए, क्योंकि वो ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो देखो हमें जो सबसे मतलब सही लगेगा डिस्टेंस आने के लिए, हमें तो ये लगेगा कि हम जी यहां तक आए हैं तो हम यहीं से सीधे ऐसे चलते हैं और इसके बाद ऐसे चलते हैं। तब अगर ऐसे चलोगे तो आप कितना चलोगे, 1, 2, 3, तो 3 किलोमीटर आप किस दिशा में चलोगे, ईस्ट में। ईस्ट मतलब पूरब में। उसके बाद ऊपर को गए, ऊपर क्या था हमने माना यहाँ नॉर्थ, तो ये ऊपर को कितना चलेगा, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये चल जाएगा दोस्तों, ये नॉर्थ में। अब देखो कि कोई एक ऐसा है क्या कोई जो मैच कर रहा है उससे, 3 किलोमीटर पूर्व यहां तक तो चाहिए जी, दो तब 2 किलोमीटर दक्षिण में, दक्षिण में आएगा तो हम तो यहां आ जाएंगे क्योंकि ऐसे आ जाएंगे, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर कहता है अच्छा ये भी देख लेते हैं, इधर से 1 किलोमीटर उत्तर में, अब यहां से हम 1 किलोमीटर उत्तर में जा ही नहीं सकते क्योंकि रिपीट हो जाएगा, तो ये तो यही पे गलत हो गया। फिर कहता है 3 किलोमीटर दक्षिण में, अच्छा मान लो यहां से हम 3 किलोमीटर दक्षिण में आते तो 1, 2 यहां तक आ जाते हैं, सपोज करो अगर यहां तक होता तो, ठीक है। उसके बाद कहता तब 1 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में, 1 किलोमीटर उत्तर में, तब भी ये भी रिपीट हो जाता है। अब ऑप्शन बी देखते हैं, ये कहता है कि 3 किलोमीटर पूर्व में, अब 3 किलोमीटर देखो दोस्तों यहां से ये पूर्व में आएगा यहां तक, ठीक है, और उसके बाद 1 किलोमीटर उत्तर में। हाँ ये सही आंसर, ये सही आंसर है ये वाला, ठीक है। अब देखो यहां से यहां आए और यहां से यहां चले आए। अब दोस्तों इसमें देखो आप कि अगर आपको कुछ चीजें बेसिक्स भी नहीं पता हो चीजों की, तो आप यहाँ पर मैथ्स का नॉलेज लेके भी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अगर इसमें हमें इसका मतलब नहीं पता होता और इसका मतलब नहीं पता होता तो ये उनके लिए भी उतना ही टफ होता जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, और उनके लिए भी उतना ही टफ होता जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं। इसमें बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेट करना हो, आपको जस्ट डायग्राम बनाना है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी आपको दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं इसका सारा आपको पीडीएफ फाइल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जस्ट क्लिक करिए और आपको गूगल ड्राइव में खुल जाएगा, आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है ये, सो मैं आपको क्वेश्चन पहले डिक्टेट कर देता हूँ उसके बाद फिर इसको मैं नोट डाउन करता हूँ। ये कहता है कि एक रोहित है और एक साहिद है, ठीक है, दोनों अपने स्थान से, एक कोई स्थान है यहाँ पे दोनों खड़े हैं, वो कहता है कि विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। सपोज करो ये नॉर्थ की साइड जाता है और ये साउथ की साइड जाता है, साउथ नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रत्येक 1 किलोमीटर बाद, मतलब 1 किलोमीटर ये चलता है और 1 किलोमीटर ये चलता है, ये आपका 1 किलोमीटर चलने के बाद शायद बाएं मुड़ता है, मान लो ये साइड है, साइड मान लो साहिद और ये रोहित। इसमें कहता है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब 1 किलोमीटर ये चलता है और 1 किलोमीटर रोहित चलता है। उसके बाद क्या कहता है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद साहिद हमेशा बाएं मुड़ता है, मतलब 1 किलोमीटर ये चल गया, ठीक है, उसके बाद फिर 1 किलोमीटर चल के फिर बाएं मुड़ेगा, फिर बाएं मुड़ के फिर 1 किलोमीटर चलेगा ऐसे। और उसके बाद उसमें रोहित के लिए क्या कहता है, रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कौन से कथन में से यह सही है। तो 4 कथन दिए हुए हैं, मैं वो भी आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑप्शंस, हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है।
उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने के बाद 4 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब कह रहा है कि वो 2 किलोमीटर जब चल लेंगे तो ये एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे। ठीक है, और ऑप्शन बी क्या कहता है कि वे 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलेंगे, मतलब वह 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलेंगे। ऑप्शन सी है आपका, वे प्रत्येक 4 किलोमीटर चलने के बाद पहली बार मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि 4 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलेंगे, और ऑप्शन डी है वो कभी नहीं मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये था कि साइड है वो हर 1 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ जाया करता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 किलोमीटर चला, इसके बाद क्या है ये बाएं मुड़ गया, फिर 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर क्या हुआ, फिर 1 किलोमीटर चला फिर बाएं मुड़ गया। अब देखो 2 किलोमीटर चला है, अब इसको भी भाई साहब, इनको भाई साहब कुछ चला के देखते हैं। ठीक है, अब क्या ये इस साइड को आए, ये अपने दाएं, अब मैंने पिछली क्लास में बता रखा था जब आप सीधे जा रहे हो तो क्या है, ये आपका लेफ्ट है ये आपका राइट है। ठीक है, तो ये क्या है, इस साइड को सपोज करो चल रहे हैं, तो 1 पर्सन बाएं मुड़ रहा है, तो 1 पर्सन किधर मुड़ेगा, दाएं, मतलब क्या है 1 किलोमीटर ये इधर चलेंगे। ठीक है, ठीक है, बाएं दाएं। ठीक है, अब ये 1 किलोमीटर इधर चले, 2 किलोमीटर इधर चले। ठीक है, अब 1 किलोमीटर ये चल गया, उसके बाद क्या कहता है, फिर 1 किलोमीटर ये चले, देखो अब दोनों यहां पे मिल गए, अब 1 किलोमीटर ये चले हैं, अब देख रहे हो कितना इजी हो गया। पहला क्वेश्चन ये था कि यहां से दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, अब यहां से ये चले अपने लेफ्ट, मैंने पिछली कक्षा में आपको बता रखा है दोस्तों कि देखो ये हमारा राइट होता है, अगर ऊपर को हम जा रहे हैं तो ये लेफ्ट होता है, अगर हम नीचे को जा रहे हैं तो ये हमारा राइट होता है ये हमारा लेफ्ट होता है। तो शाहिद हमेशा लेफ्ट मुड़ते हैं और रोहित हमेशा राइट मुड़ता है। ठीक है, और ये प्रत्येक एक विपरीत दिशा में चलते हैं, और प्रत्येक 1 किलोमीटर बाद ये या तो ये लेफ्ट मुड़ता है और ये राइट मुड़ता है। देखो अब यहां से यहां तक आया 1 किलोमीटर, उसके बाद क्या हुआ, रोहित दाया मुड़ा, फिर 1 किलोमीटर आया फिर दाया मुड़ा, फिर उसके बाद क्या करता, अगर आगे जाना होता तो फिर ये इधर जाता और ये रोहित और शाहिद के इधर जाता, शाहिद इधर चला जाता। ठीक है, शाहिद इधर चला जाता, रोहित इधर जाता, बट वो क्वेश्चंस में हम देखेंगे, ऑप्शंस में देखेंगे कि क्या है, 2 किलोमीटर चल लेने के बाद इनके बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। अब देखो 1 किलोमीटर यहाँ आया, 1 किलोमीटर यहाँ आया, तो 2 किलोमीटर यहाँ पे आ गए, ये भाई साहब यहाँ पे 2 किलोमीटर यहाँ पहुंचते हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी तो 1 ही 2 किलोमीटर ही हुई, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलेंगे, देखो हाँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जैसे ही दोनों का पूरा होता है ये दोनों मिलते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसके बाद हम चारों ऑप्शन चेक करते हैं, 4 किलोमीटर चलने के बाद मिलेंगे, 4 किलोमीटर चलने के बाद तो ये यहाँ पे एक आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन गलत है, वे कभी नहीं मिलेंगे। देखो ये तो मिल गए यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया और ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी एक दो सिंपल क्वेश्चन है उसको आप खुद से करो। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ रखा है, बाकी आपको सारे क्वेश्चन, सारे के सारे जितने प्रीवियस ईयर 2013 से सारे आए हुए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 में, वो मैंने सारे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखे हैं, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर लीजिए, और कोई भी दोस्तों आपका सुझाव हो इसके रिगार्डिंग या कुछ पहले का रह गया हो नहीं समझ में आया हो, वो आप बेशक कमेंट करके या फेसबुक के थ्रू या हमें यूट्यूब पे कहीं भी आप हमें बता दीजिए, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊंगा और उनको, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनकी इनकी बहुत ही जरूरत है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।